व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉगिंग चैनल। तो क्या हाल है सबके? तो यार आज हम फिर आए हैं मालचा महल में। लास्ट टाइम तो जा नहीं पाए थे, तो इस बार वापस जाएंगे। तो चलते दिखाते हैं तुम्हें कि क्या है अंदर क्या नहीं। बाकी तुम्हें गूगल पे देखा ही होगा कि क्या क्या इसकी स्टोरी है क्या नहीं है, ठीक है। और बाकी शायद अंदर मस्जिद भी है, मस्जिद भी जाएंगे तो तुम्हें दिखाते हैं। तो लेट्स गो। गाइस हम आ गए हैं मस्जिद में, ठीक है। तो इधर तो भी यार मस्जिद बंद है, ठीक है, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा पीछे। तो हमने जाना तो था, तो और बाकी यहाँ पे यार थोड़ी जो सच्चाई है तो मैं घर ले जाता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ हम खड़े नहीं होंगे। अभी हमने सोचा अंदर जाने की, पर अंदर तो ये ताला लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं, अब तुम्हें चलते हैं, लेके चलते हैं मालचा महल, ठीक है। और वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। तो लेट्स गो। अभी रास्ते में एक घर आएगा जो मालचा महल का जो चौकीदार था उसका घर है, तो तुम्हें वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे वहाँ क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मालचा महल चलेंगे। सो गाइस हम आ गए हैं, ये गार्ड का रूम है यहाँ पे, तुम्हें जैसे मैंने बताया था पीछे। तो अब यहाँ पर आया हूँ, ये है गार्ड का रूम और पीछे ये रास्ता जा रहा है महल की तरफ। तो यहाँ भी जाएंगे, थोड़ा रिस्क भी है यहाँ पे। तो ऐसे ही यार प्यार बनाते रहना, ठीक है। और बाकी तुमने देखा होगा गूगल पे इसकी फोटो वगैरह, ये ऐसे में आता है। तो ऐसे ही तुम ये देखते रहो कैसा क्या मैं क्या है इसका गार्ड का रूम। अंदर से तुम्हें दिखा देता हूँ, अभी तो खंडर हो रखा है ये, ठीक है। और खंडर है, अब ये रास्ता जो है इसका जाता है अंदर से मालचा महल। तो यहाँ अंदर लेके जाएंगे, रिस्क है पर कोई बात नहीं, तुम्हें दिखाएंगे क्या है क्या नहीं अंदर, पूरी स्टोरी तुम्हें बताऊँगा इधर, ठीक है। तो अपना प्यार बनाए रखना, दुआ में याद रखना। तो लेट्स गो। और तुम्हें यहाँ की सच्चाई बताऊँ, यहाँ पे इनके अभी भी एक दो कुत्ते हैं जिनकी आवाज़ आती रहती है रात में। और देख रहे हो कितना कितना ही पेड़ पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। तो छील देंगे शरीर को अपने, ये देखो कितना कितना गलत हो गए। तो गाइस मालचा महल का रास्ता है, तुम्हें यहाँ लेके जा रहा हूँ, देख ही रहे कैसा रास्ता है। भाई साहब फुल कांटे वाले पेड़ हैं, तुम्हें दिख ही रहे, देख लो। बाकी तुम्हारा भाई इन सब चीज़ें दूर है, पर तब भी तुम लोगों के लिए यहाँ तक आता हूँ दिखाने के लिए कि यहाँ क्या है क्या नहीं। वो देखो पेड़ के पीछे तुम्हें दिख भी रहा होगा मालचा महल पीछे, ये देखो तुम कितनी छोटी छोटी जगह बन रखी है, यहाँ से जाए तो जाए कैसे बंदा। ये रहा मालचा महल, देख रहे हो तो खतरनाक सा है भाई साहब, इसकी कहानी खतरनाक इतनी है, तुम तो आखिरी तक देखना तुम्हें इसकी पूरी कहानी पता चल जाएगी। कितने कांटे हैं तुम ये देखो ना, कितने कांटे ही कांटे हैं। चले अंदर, अंदर से क्या हाल रहा है इसका, अंदर चमकादड़ चमकादड़ है, बाजी आ रही है अगर तुम्हें आ रही हो तो। ये ऊपर जाने का रास्ता है, इनकी छत पे जाने का रास्ता, यहाँ से भी एक रास्ता है अंदर पूरा है। भाई अंदर जाने में डर तो लग रहा है क्योंकि चमकादड़ है, बाकी सोनी चमकादड़ है वो सारे चिपक जाते हैं। यहाँ एंट्री बिल्कुल मना है तुम्हें, जैसे तुम्हें पता ही होगा। तो यहाँ भाई साहब बचते बचाते पुलिस वाले आए हैं, और यह स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंदर क्या है क्या नहीं। आ गया मन, ये बालकनी का बालकनी एरिया है, ये किसी ने तोड़ दिया।
चल भाई, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जैसे अमन भाई को भी बढ़िया नहीं लग रहा है, अजीब अजीब से लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से भी चलते हैं। थोड़ी घबराहट सी अपने मेरे को भी हो रही है, मेरे को लगा वैसे ही हो रही होगी, तो इसको भी हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ से हम आ गए, क्या भाई को भी घबराहट हो रही थी, मेरे को भी घबराहट हो रही थी, पसीना चल और तुम्हें देख लिया, क्योंकि बैरिकेड भी है तो भाई बोल रहा आराम से उतार रखने की, घबराहट सी होने लगी थी यार, मेरे को लगा वैसी होगी। तो हम चलते हैं, ठीक है। बाकी अगर मेरी ब्लॉग अच्छा लगा तुम सब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, प्यार बनाएगा। एंट्रेंस एग्जिट में कैसा ही बैरिकेड है यार, पैर रखने में जब आ जाती है, आगे पुलिस वाले भी होते हैं। हम निकल गए यहाँ से, हमारी स्कूटी आगे खड़ी है, स्कूटी तक चलते हैं। तो लेट्स गो। हाँ भाई, क्या हो गया अंदर तेरे को? भाई अंदर बहुत, भाई अकेले मत आना कभी भी, और रात को तो बिल्कुल मत आना भाई, दिन में यहाँ देख के चले जाओ भाई। लोग कभी अगर रियल क्या शिट है क्या झूठ है इसका हम रात को आके बताएंगे एक बार ही आपको, ठीक है, जब हमारे पास EMF मशीन आ जाएगी। और गाइस क्या कहते हैं, अपना जो भी आएगा यहाँ पे पहली बार आना अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है, और जो भी यहाँ पे आएगा अकेले मत आना प्लीज़ गाइस, अपने ग्रुप के साथ आना, क्योंकि कहते हैं ऐसे भूत का तो कोई सीन नहीं है इतना कुछ ऐसे, बट एज इन चोर या कोई ड्रग एडिक्ट या कुछ भी आपको कुछ भी हार्म कर सकते हैं अंदर, क्योंकि अंदर पूरा सुनसान है। और गाइस यहाँ पे आसपास आपको कोई भी नहीं मिलेगा बचाने के लिए, बस गाइस आपको रात में कभी फिर हम दिखाएंगे पार्ट टू में, ठीक है। तो अभी तो हम आ गए हैं वहाँ से भाग के, सांस फूल रहे हो। तो गाइस श्रेष्ठ ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।